हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए, हम लोग जो केपलर्स लॉ पढ़ रहे हैं तो उसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? सो दैट वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन एन इलिप्टिकल पाथ अबाउट ए सेंटर ऑफ फोर्स, ठीक है, इन द फोकस इज कंपाउंडेड ऑफ टू कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, म्यू बाई एन परपेंडिकुलर टू रेडियस एंड म्यू ई बाई एच परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। मतलब हम लोगों को ये इसमें बताना है कि कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इलिप्टिकल पाथ में, तो उसका जो वेलोसिटी है ना, वो रिजल्टेंट है इन दोनों वेलोसिटी का, म्यू बाई एन और म्यू ई बाई एच का। म्यू बाई एन आपका परपेंडिकुलर टू रेडियस है और म्यू ई बाई एच परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस है। इसको प्रूफ करना है, ठीक है, आइए देखते हैं इसका प्रूफ। देखिए, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। सपोज कर लेते हैं कि भी जो है वो रिजल्टेंट है दो वेलोसिटी पी और क्यू का, ठीक है, वेयर पी जो है आपका वो परपेंडिकुलर टू रेडियस है, ठीक है, और क्यू जो है वो परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस है, ठीक है। तो डेफिनेटली हमको P क्या प्रूफ करना पड़ेगा, P हमको ये म्यू बाई एन प्रूफ करना पड़ेगा और Q हमको म्यू ई बाई एच प्रूफ करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ओके, तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं सिचुएशन क्या है। जैसे हम सपोज कीजिए ना कि कोई इलिप्टिकल पाथ है, देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, ये मान लेते हैं हमारा ये इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है, और ये हो गया मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है, और किसी पॉइंट पी आर थीटा पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये पी आर थीटा है। तो डेफिनेटली मान लीजिए ये मेरा अगर एक फोकस है, ठीक है, तो ये होगा थीटा और ये होगा आर, ठीक है। अब हम लोग जो दो लिए हैं, तो एक हम लोग क्या लिए हैं, एक हम लोग लिए हैं, ठीक है, पी परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है। तो इधर जो फोर्स है, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो फोर्स है ये मेरा पी है, दिख रहा है आपको, ये पी है, ठीक है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर टू रेडियस है, ओके। और एक जो हम लोग लिए हैं वो है Q, तो Q जो है वो परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस है, यानी ये जो है आपका ये Q है, देखिए परपेंडिकुलर ले लेंगे यहाँ से, इस तरह से ले लीजिएगा, ठीक है, ये दिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो ये हम लोग क्या है, ये हम लोगों का Q है, ठीक है, ये हम लोग सपोज किए हैं। तो जो वेलोसिटी है भी वो क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, यानी समवेयर इधर कहीं पे वेलोसिटी होगा, ठीक है, ये वेलोसिटी, तो ये जो वेलोसिटी है आपका ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, किसका किसका, एक ये पी का और दूसरा आपका वो क्यू का, ठीक है, ये इस पे 90 है और ये इस पे 90 है, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग रिजोल्यूशन करें, ठीक है, कंपोनेंट में अगर हम लोग बांटें तो कैसे बांटेंगे, ठीक है, ये देखिए, ये आपका थीटा है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग एक लाइन ले लें, देखिए ये, तो ये लाइन भी हमारा क्या होगा, तो ये भी हम लोगों का थीटा होगा, ये एंगल है ना, तो ये जो एंगल है ये आपका हो जाएगा क्या, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो हम लोगों को एलोंग रेडियस, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है मेरा, एक तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक मोड़ लेते हैं रेडियल वेलोसिटी, ठीक है, रेडियल वेलोसिटी एलोंग इस रेडियस के, और दूसरा ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स जो वेलोसिटी होगा हम लोगों का वो होगा इस डायरेक्शन में, यानी परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है। तो आइए रिजोल्यूशन करते हैं, तो देखिए ये 90 माइनस थीटा है, तो ठीक है, तो इस तरफ का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो ये जो कंपोनेंट है इसमें क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखेंगे, तो मैं ऊपर कर देता हूँ, ये ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, ये इस तरफ का जो कंपोनेंट है वो आ जाएगा आपका Q, ठीक है, साइन थीटा, ओके, क्लियर है, Q साइन थीटा आ जाएगा इधर, ये 90 माइनस थीटा हो गया, है ना। फिर इधर का जो एंगल है ये थीटा होगा, तो इस तरफ पी की तरफ ही एक आपको और वैल्यू मिलेगा, वो क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा मेरे को क्यू
cos theta, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इस लाइन के अलोंग में q cos theta और आपका ये p, ये दोनों मिलेगा, ठीक है। तो p प्लस q cos theta हो जाएगा आपका इस तरफ, और इस तरफ क्या हो जा रहा है q sin theta। तो ये जो रेजोल्यूशन किए हैं हम लोग, तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे बांटें तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, हम बोलेंगे द रेडियल वेलोसिटी ठीक है एट एनी पॉइंट पी आर थीटा क्या होगा इज इक्वल टू, ये होगा क्या मेरा क्यू साइन थीटा, सिर्फ यही कंपोनेंट है रेडियल में, ठीक है, रेडियस के अलोंग देख रहे हैं, ये हो गया हमारा क्यू साइन थीटा, ठीक है। और रेडियल वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है इक्वल टू डी आर बाई डी टी, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए जो हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी है क्या होगा, एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पी आर थीटा इज, इधर जो है ट्रांसवर्स यानी रेडियस के परपेंडिकुलर में, तो ये क्या है आपका p प्लस क्यू कॉस थीटा, ये हमारा क्या जा रहा है p प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है ना। इसका वैल्यू, ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है r d थीटा बाई डी टी, ये आप जानते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू, अब हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। नाउ पोलर इक्वेशन क्या होता है इलिप्स का, पोलर इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं, ये होता है एल बाई आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है, वेयर आपका ई क्या है, ई है हमारा इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, ठीक है, एंड जो एल है वो क्या है, एल है हमारा सेमी लेटस रिक्टम, लेटस रिक्टम, ठीक है, क्लियर है। इसका वैल्यू बी बाई बी स्क्वायर बाई ए होता है, आप लोग जानते हैं। अच्छा अब चलें, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए ओके, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एल बाई आर ई जो है इसको इक्वेशन थ्री ले लेते हैं, और यहां से हम लोग कोशिश करेंगे डी आर बाई डी टी और डी थीटा बाई डी टी निकालने का, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग दिस थ्री विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, रिस्पेक्ट में पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा बताइए, तो ये आपका आएगा माइनस एल बाई आर स्क्वायर डी आर बाई जी टी, ठीक है, इज इक्वल टू टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो मेरा वन का जीरो हो जाएगा, तो माइनस ई साइन थीटा, ठीक है, और क्या आ जाएगा, और आपका आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग अगर निकालें, इसका वैल्यू निकाल लें, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहां से हम लोग निकाल लेंगे डी आर बाई डी टी का वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका ई बाई एल, ठीक है, साइन थीटा और आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये क्या होता है, ये होता है एच, सिंस वी नो आर स्क्वायर थीटा डॉट क्या होता है, एच होता है, ठीक है, यानी आर स्क्वायर और डी थीटा बाई डी टी, यही इसका मतलब हुआ, ये आपका एच होता है, ठीक है। इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी हमारा आ जाएगा, ठीक है, इसको हम एच लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई एच बाई एल और साइन थीटा। तो ये देखिए डी आर बाई डी टी हम लोगों का निकल गया, ठीक है। इसी तरीके से थ्री को डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। चलिए ठीक है, पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि इक्वेशन वन का यूज करके हम लोग ये निकाल लेते हैं, ठीक है।
कि हम लोगों का q का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देयरफॉर क्या बाय इक्वेशन वन, इक्वेशन वन देखिए क्या है, ये वाला है, तो q का वैल्यू क्या हो जाएगा, q का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा डी आर बाई डी टी, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए कि डी आर बाई डी टी का वैल्यू क्या आया है, तो ये वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो 1 बाई साइन थीटा डी आर बाई डी टी का वैल्यू आया है ई एच बाई एल साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ई एच बाई एल आ जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था शायद, अच्छा नहीं थोड़ा सा और इसमें कुछ कुछ काम करना है, तो ऐसा कीजिए एक और रिजल्ट हम लोग जानते हैं क्या, एच स्क्वायर को क्या बोलते हैं, म्यू इंटू एल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एच स्क्वायर को म्यू इंटू एल डाल देंगे, ठीक है, म्यू में प्रूफ करना है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ से एक मिनट, तो यहाँ से एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए एल का वैल्यू आ जाएगा एच स्क्वायर बाई म्यू, तो एल का वैल्यू पुट अप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा ई म्यू बाई एच, ठीक है। तो देयरफॉर एक जो रिजल्ट था हमारा क्यू प्रूफ करना ई म्यू बाई एच, तो ये देखिए आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया है, ठीक है। अब हमको पी का वैल्यू चाहिए, तो पी का वैल्यू हम लोग आइए इससे निकाल लेंगे इक्वेशन टू से, ठीक है। तो देखिए पी का वैल्यू कैसे निकलेगा, आइए निकाल लेते हैं, चलिए एंड फ्रॉम इक्वेशन टू पी क्या हो जाएगा बताइए, पी हो जाएगा देखिए आर डी थीटा बाई डी टी माइनस क्यू कॉस थीटा, यही होगा इक्वेशन टू को देख लीजिए ऊपर में, ठीक है। तो डी थीटा बाई डी टी यानी ये क्या हो गया, ये आपका हो गया आर थीटा डॉट, है ना, माइनस क्यू का वैल्यू अभी हम लोगों का निकला है क्या है ई म्यू बाई एच इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो अब आपका काम देखिए यहाँ से हो गया, दोनों चीज प्रूफ हो जाएगा सिंपली, क्या करेंगे देखिए, देयरफॉर P इज इक्वल टू आर थीटा डॉट को क्या बोलते हैं, H बोलते हैं माइनस, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज यूज करेंगे, ठीक है, आर थीटा डॉट, ठीक है ना, तो आर थीटा डॉट ये हम लोगों का एच होता है ना, अच्छा आर स्क्वायर थीटा डॉट एच होता है, अच्छा फिर से यहाँ पर देखिए क्या होता है हमारा आर स्क्वायर थीटा डॉट ये एच होता है, तो आर थीटा डॉट क्या हो जाएगा एच बाई आर हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ से म्यू बाई एच को रहने दीजिए और इसको लिख दीजिए ई कॉस थीटा। अब इक्वेशन वन का यूज कीजिए, इक्वेशन वन क्या था हमारा, सॉरी इक्वेशन थ्री, तो इक्वेशन थ्री का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा एच बाई आर माइनस म्यू बाई एच, इक्वेशन थ्री जहां पर हम लोग इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखे थे वहां से ई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं एल बाई आर माइनस वन, ठीक है, इक्वेशन थ्री का यूज करेंगे तो बाय इक्वेशन थ्री, ठीक है। यहां से देखिए यहां से ये हो गया हमारा एच बाई आर माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू एल बाई एच आर और यहाँ पर प्लस करेंगे तो म्यू बाई एच, ठीक है। तो अब ये देखना है कि ये तो एक प्रॉपर्टी यूज कर लिए, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जो हम लोग ऊपर में देखे थे कि एच स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारा म्यू इंटू एल, ठीक है, तो एल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बाई म्यू, इसको भी यूज कीजिए यूजिंग दिस, दिस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए एच बाई आर माइनस एल की जगह पे डाल दीजिएगा एच स्क्वायर बाई म्यू, तो क्या आ जाएगा फिर से एच बाई आर आ जाएगा प्लस म्यू बाई एच, तो ये टर्म हमारा कैंसिल हो जा रहा है,
तो इस तरह से आपका जो पी है वो क्या हो जा रहा है, म्यू बाई एच प्रूव्ड हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का देखिए पी आ गया और यहाँ पे हम लोगों का क्यू आया था। इस तरीके से आसानी से पी और क्यू का वैल्यू आप ला सकते हैं। ठीक है।